चलिए बच्चों, तो हमने शुरू कर रखी थी बेटा एक्सरसाइज 8.4। उसके कुछ और भी एक दो क्वेश्चन आप देखिए बट ये वाले एक्सरसाइज पेपर में जनरली आती नहीं है, ठीक है। इसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस और स्टेटमेंट वाले जो एग्जांपल्स है ना, उनको करें, उनको आप लोग अच्छी तरह से करना, ठीक। पढ़िए आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 30। आपकी टेक्स्ट बुक का बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पढ़े सब बच्चे, एक बार पढ़ लो फटाफट। क्या बोला गया है? फ्रॉम द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम क्यूबॉइड बॉक्स इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। बेटा एक वो दे रखा है क्यूबॉइड बॉक्स, क्यूब दे रखा है, क्यूब घन घनाकार बॉक्स दिया है, संदूक क्यूबॉइड बॉक्स घनाकार संदूक, तो उसमें क्या क्या होगी? साइड लेट बी साइड एक्स एंड वॉल्यूम बी ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स। क्यूबॉइड बॉक्स समझ गए? क्या मान ली बच्चों? साइड एक्स मान ली और वॉल्यूम वी मान लिया। बेटा घनाकार एक संदूक है, उसकी साइड भुजा एक्स मानी और आयतन वॉल्यूम वी माना, ठीक। इसका फॉर्मूला कौन सा जानते हैं? वॉल्यूम का, वॉल्यूम वी बराबर साइड क्यूब एक्स। और हमसे क्या पूछ रहे हैं बच्चों? वी में परसेंटेज एरर, आयतन में प्रतिशत त्रुटि, ठीक। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो इसका क्या करो? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डीवी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? 3x2। तो हमें क्या चाहिए? एरर इन वॉल्यूम। हिंदी में तो समझ में आ जाता है ना ये, एरर इन वॉल्यूम का मतलब है आयतन में त्रुटि, एरर इन वॉल्यूम आयतन में त्रुटि। तो डेल्टा वी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? डीवी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो कितना हो जाएगा? 3x2 इंटू डेल्टा एक्स। बोलो अब हमें क्या निकालनी इसमें? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, आयतन में प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, आयतन में प्रतिशत त्रुटि, क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। डेल्टा वी की वैल्यू तो ये बच्चों 3x2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन वी की जगह x3 इंटू 100, तो कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा? 3 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ये तो पूछ रहा है कि 3 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, और ये जो निकल के आया ये क्या आया? 3 इंटू परसेंटेज एरर इन साइड, ये तो प्रूफ करवा रहा है बच्चों को, यही तो प्रूफ करवा रहा है कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत त्रुटि भुजा में प्रतिशत त्रुटि की 3 गुना है, ओके। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन साइड्स। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आप लोगों से पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों? देख लो एक बार अच्छी तरह से। चलो इसका एग्जांपल नंबर 27। एफ ऑफ एक्स बराबर x³ - 7x² + 15। और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एफ 5.001। ये आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 27। हमसे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी जा रही है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी जा रही है। तो शुरू कहां से करोगे बच्चों? सॉल्यूशन कहां से शुरू करोगे? लेट ये जो फंक्शन लिखा है इसको y के बराबर मान लीजिए, इस फंक्शन को y के बराबर मान लो, पहली बात। दूसरी बात,
जहां पर एक्स क्या बनेगा, एक्स बराबर क्या बनेगा पाई, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इससे डेल्टा एक्स बराबर कितना आ जाएगा 0.001। ओके बेटा, ठीक, आगे बढ़ो। इसके बाद में हम क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, y बराबर x क्यूब माइनस 7x² + 15। इसका डिफरेंशिएशन करा दो dy by dx, 3x² - 14x। वही काम करना है, डेल्टा y बराबर बना लो dy by dx into डेल्टा x, तो 3x² - 14x into डेल्टा x, सारा काम वही करना है जो करते आ रहे हैं, कोई भी हमें नई कलाकारी नहीं करनी। तो इससे डेल्टा वाई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 3x की जगह 5 25 14 into 5, और डेल्टा एक्स की जगह 0.001। तो कितना हो जाएगा 75 - 77 0.001। तो डेल्टा वाई बराबर कितना क्या बैठो 0.007। अरे यहां तक कब समझ में आ गया ना, हमारा वाई बराबर क्या था बच्चों, एफ एक्स वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई लिख लो, और एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख लो, और जहां वाई लिखा था वापस एक्स पे पुट करा दो, एक्स क्यूब 7x² 15 एफ ओ डेल्टा वाई बराबर एफ ओ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। समझ गए, और इसकी वैल्यू डाल दो यहां, 5 का क्यूब 7 into 5² 15 डेल्टा वाई की वैल्यू 0.007, और एफ इसकी वैल्यू 5.001। और जब इसको सॉल्व करेंगे तब आपको फाइनली जो आंसर है वो आंसर बन के आ जाएगा एफ 5.001। इसे सिंप्लीफाई करा दें, बच्चों इस तरह इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। समझ रहे हो बेटा, अरे बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो और देखो, जैसे इसमें एक 8th क्वेश्चन लिखा हुआ है 32.15 और 1/5, हमसे कहेगा कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करो, तो आपको करना क्या है, शुरुआत तो वहां से करेंगे बेटा, लेट माना y बराबर x^1/5, एक फंक्शन अज्यूम कर लिया जाएगा, यहां पर x क्या होगा, x बराबर क्या होगा 32, और x प्लस डेल्टा x क्या होगा 32.15, डेल्टा x बराबर 0.15, खत्म। बोलो y बराबर x^1/5, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/5 आगे आ जाएगा, x^1/5 - 1 x^-4/5। तो dy by dx बराबर क्या बन के आया आपका 1/5 x^4/5। नमस्ते, डेल्टा वाई डी वाई वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स 1/5 x^4/5 डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बराबर 1/5, एक्स की वैल्यू कितनी है 32, 32 का मतलब 2^5, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.15। बोलो 0.15 ये कितना हो जाएगा, इस तरह से आपका डेल्टा वाई बन के आ जाएगा।
लास्ट में वही वाई बराबर एक्स पावर वन बाई फाइव, वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई और एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और जहां वाई लिखा है वहां एक्स पावर वन बाई फाइव। एक्स की जगह क्या लिख देना 32, डेल्टा वाई की वैल्यू जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.15 अपॉन 80 और ये एक्स प्लस 32.15। आगे सॉल्व तो आपको भी करना आता है, समझ गए बच्चों? तो बेटा इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब आपको एक काम करना है बेटा कि आप सभी आपकी टेक्स्ट बुक के अनुसार 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 इन चारों एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, इन चारों एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, ओके बच्चों? हम इसका जो अंतिम टॉपिक होगा मैक्सिमा मिनिमा उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो हम इसके बाद हम कोई ना कोई सा दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। आप इन चारों एक्सरसाइजों को कंप्लीट करके रखो, 8.1, 2, 3, 4, ओके। थैंक यू।